गाइस, वेलकम टू ब्राइट एडवाइस। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, आज का वीडियो है बेस्ड ऑन 2 मिनट्स मेकअप ट्यूटोरियल। तो आप 2 मिनट्स में किस तरीके से रेडी हो सकते हो, आज के वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। जनरली होता क्या है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, हम ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता, हम चाय कॉफ़ी ब्रेकफास्ट में टाइम लगा देते हैं और मेकअप करने का टाइम नहीं रहता। फिर हम परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे रेडी होए, क्या करें। तो आज मैंने कुछ ट्रायल एंड एरर किया है, तो उसी की बेसिस पे मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। आप किस तरीके से 2 मिनट्स में मेकअप करके आप फटाफट रेडी हो सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है, नॉट जस्ट ऑफिस, आप सपोज आपको क्विकली किसी फंक्शन में जाना है, बर्थडे पार्टी पे जाना है, आपको अचानक से इन्विटेशन आ गया और आपके पास टाइम नहीं है रेडी होने, तो आप उस टाइम पे किस तरीके से रेडी हो सकते हो, आज का वीडियो आपको इसमें हेल्प करेगा। तो आप शुरू से लेके एंड तक बने रहना टू सी हाउ यू कैन गेट रेडी इन 2 मिनट्स। सो गाइस, सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और आई हैव ऑलरेडी डन माई CTM रूटीन। सो नाउ इन द 2 मिनट्स मेकअप चैलेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन मैं अपने फेस पर कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ। आई बी अप्लाइंग दिस कंसीलर ऑल ओवर माई चीक एंड चिन एंड आई ऑल्सो कवर माई फोरहेड एज वेल एज नेक एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद माई चिन, सॉरी चीक, जहाँ जहाँ भी चेहरे पे आपके वो है, डार्क स्पॉट्स हैं, कुछ है, तो उसको आप कंसीलर से हाइड कर लो अच्छे से। अप्लाई डेट इट्स अ वेरी क्विकी मेकअप ट्यूटोरियल, 2 मिनट के अंदर आप आराम से रेडी हो सकते हो विदाउट एनी हसल वसल। और ओके, सो मैंने अपने फेस पे वो लगा लिया है कंसीलर एवरीवेयर। उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, मैं लूज़ पाउडर लूँगी और उसको यू कैन यूज़ योर हैंड एज वेल और यू कैन यूज़ पफ, वो जो पाउडर पफ आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्रश के हेल्प से लूज़ पाउडर ऑल ओवर माय फेस आई अप्लाई एंड नेक आल्सो। तो मैं यहाँ पे कलर एसेंस का ये वाला लूज़ पाउडर यूज़ करने वाली हूँ, इसको मैं ब्रश के हेल्प से अपने पूरे फेस को कवर कर लूँगी। इसको अच्छे से आपको चीक को कवर कर लेना है, देन वो द चीक चिन फोरहेड एवरीवेयर यू हैव टू स्प्रेड दिस। Not to forget your neck also. Again I'll repeat guys, आप जो भी मेकअप कर रहे हो या जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो अपने फेस पे, यू शुड अप्लाई दैट ऑन टू योर नेक एज वेल, अदरवाइज वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लगेंगे विच विल लुक वेरी बैड। सो आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। और उसके बाद गाइज हम हमारे आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लेंगे और ताकि उसको एक अच्छा सा लुक मिल जाए आईब्रोज को, उससे भी काफ़ी हद तक आपका मेकअप कंप्लीट हो जाता है, योर फेस लुक्स ब्यूटीफुल। सो विल स्टार्ट अप विद दिस प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी। फॉर दैट गाइज आई डोंट प्रेफर ब्लैक कलर, क्योंकि वो डे टाइम में बहुत ही और लगता है, बहुत ज़्यादा ही वो डार्क हो जाता है, विच आई डोंट लाइक पर्सनली, बट इफ़ यू लाइक यू कैन यूज़ इट। नाइट टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो, बट डे टाइम पे आई प्रेफर नॉट टू यूज़ ब्लैक एंड राइट नाउ आई एम यूजिंग ब्राउन शेड। सो आई एम फिलिंग माई ब्रोज विद अ ब्राउन शेड। तो मुझे इसके लिए आईब्रो पेंसिल यूज़ करना ज़्यादा पसंद है, कुछ लोग ब्रश से भी करते हैं, बट आई प्रेफर यूजिंग आईब्रो पेंसिल, मुझे इसे फिल करने में बहुत आसानी होती है, इसको फिनिशिंग अच्छे से दे पाती हूँ मैं, तो आई प्रेफर यूजिंग आईब्रो पेंसिल।
And the one I'm using right now, that's my favorite also. I'm so used to it कि मैं इसी को prefer करती हूँ. Okay? इसके बाद हम इसको अच्छे से comb भी कर लेंगे. तो comb it once. आप देख सकते हो इससे काफ़ी लुक निखर गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है. आई एम रेडी फॉर ओके गाइज. इसके बाद मैं मस्कारा यूज़ कर लूँगी, मस्कारा अप्लाई कर लूँगी ऑन माय आईलिड्स. तो दैट विल बी द थर्ड आई गेस, नो इट्स फोर्थ थिंग दैट आई बी यूजिंग टुडे. सो यस, आई विल जस्ट अप्लाई मस्कारा. On both my eyelids. Okay, guys. Mascara के बाद I love applying blush. मुझे अपने cheek को blush से highlight करना बहुत पसंद है. तो I like applying blush. So for that, मैं small brush के help से blush को अच्छे से अपने cheek area पे apply करूँगी. और नॉट जस्ट माई चीक्स, आई लव अप्लाइंग ब्लश ऑन टू माई चिन एज वेल. उससे भी क्विक मेकअप की जब ज़रूरत पड़ती है तो उससे पूरा फेस काफ़ी अच्छा दिखने लगता है, मेकअप काफ़ी निखर के आता है. तो आई अप्लाई ऑन माई चिन ऑल्सो. ज़रा सा ब्लश मेरे चिन पे भी. ओके गाइज, आफ्टर अप्लाइंग ब्लश मुझे अपने लिप्स को आउटलाइन करना भी बहुत पसंद है. तो अभी मैं अपने लिप्स को आउटलाइन कर लूँगी, उसके बाद उसमें लिपस्टिक फिल करूँगी. लिपस्टिक से अपने लिप्स को फिल कर लूँगी. तो आप कोई सा भी शेड ले सकते हो जो आपको पसंद हो, या मैचिंग इफ़ यू वांट अपने ड्रेस से मैच करता हुआ कोई लिप कलर लेना, आप वो भी ले सकते हो. ओके सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक विद इन 2 मिनट्स मेकअप चैलेंज का. जब भी आप रश में रहते हो, आपको जल्दी होती है कहीं जाने की और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके से क्विकी मेकअप कर सकते हो. तो ये आपको बहुत काम आने वाला है. तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल भी रही होगी. अगर यूज़फुल रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और बेल बटन को भी प्रेस कर देना. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो. And don't forget to give it a big thumbs up. See you guys in my next video. Bye guys.